300 साल पुराने मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया, अब वहां पर भजन कीर्तन हो रहा है। मंदिर की मांग हो रही है कि एक बार फिर से बनाया जाए। और देखिए, पूजा पाठ शुरू हो गया है, भजन कीर्तन शुरू हो गया है। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मौके पर जाकर मुआयना कर चुकी है। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने चेयरमैन से बात की है, उन्होंने प्रस्ताव को पढ़ा है और कहीं पर भी ये नहीं, चेयरमैन ने ऑर्डर दिया कि मंदिर को ढहा दो, कहीं पर भी ये ऑर्डर नहीं दिया गया कि घरों को ढहा दो। मंदिर जिस चौड़ाई, जो सड़क जिस चौड़ाई से बनती हुई आ रही थी, उसी चौड़ाई में उसे आगे जाना था, न कि बीच में आ रहे मंदिर को तोड़ना था या घरों को तोड़ना था। ये गहलोत सरकार की मंशा थी कि मंदिर को तोड़ा जाए, उनको हिंदू विरोधी बताया गया। और अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो 5 तस्वीरें देख रहे हैं, ये अलवर में किस तरह की राजनीति हो रही है और क्या हुआ वो आप देख रहे हैं। जमींदोज कर दिया गया, जेसीबी चला मंदिर के ऊपर, 300 साल पुराना मंदिर और उसमें रखी मूर्तियां भी कहा गया तोड़ दी गई है। और सुपर औरंगजेब बीजेपी गहलोत, मुख्यमंत्री गहलोत को बता रहे हैं। लेकर वो तेज हो गई है काफी। बीजेपी कह रही है कि हमारा जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के नेता हैं, पर वो कह रहे हैं कि बोर्ड के लेवल पर ये फैसला नहीं लिया गया। पर आप साफ तौर पर कह रही हैं कि जो निर्णय है वो बोर्ड के लेवल पर लिया गया। देखिए, इस बारे में कोई, आप सभी देख लें, आप बोर्ड का जो निर्णय है उसी के अनुसार जो है आप स्वयं इसका परीक्षण कर लें। पर उनका कहना था कि मंदिरों का उसमें कोई वर्णन नहीं था, जो निर्णय था वो ये था कि गौरव पथ जो बनाया जाना है, जिसकी जो उसको एक्सपेंशन करना है, उसके तहत जो कार्यवाही होनी थी वो होनी थी। उनका कहना है कि जो मंदिर तोड़े गए वो गलत तरीके से तोड़े गए। ये उन्होंने क्या कहा कि उसपे, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। साफ तौर पर ये जो प्रशासन है उनका कहना है कि मंदिरों का जो निर्माण का फैसला है वो न्यायपालिका के स्तर पर किया जा सकता है। इनका ये भी कहना है कि जो निर्णय लिया गया था डेमोलिशन ड्राइव को कैरी आउट करने का, वो नगर पालिका के स्तर पर किया गया था।